जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज आपको ये जो डेनमार्क का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है अरुस की सैर कराते हैं। सेलिंग रूफटॉप कैफे, और ये पीछे जो रेनबो म्यूजियम नज़र आ रहा है, वो पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं गेटो, इनको वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर गैर मुल्की लोग होते थे और वो जो है ना यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करते, तो इसलिए जो पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी खाली हो गई हैं, उनको जो है वाकई खाली कराया जा रहा है। तो ये सारा शहर ये आप देख रहे हैं, इधर ये ओल्ड सिटी, और वो पीछे जो येलो नज़र आ रही है यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, और वो पीछे जो आपको येलो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये मेन चर्च बड़ा, और पीछे इसके सी समंदर। ये अभी आप देख रहे हैं, ये पीछे जो विंड जनरेटर या वहाँ से जो बिजली पैदा की जाती है, जो शुरू में पुराने वक्तों में हुआ करता था, वो है। ऊपर से सड़क गुजर रही है, नीचे से ये सैकड़ों का रास्ता। Yeah, the old town is there to the right. When you get out of this road, you go to the right. And yes. Then there's an old city. Yeah. But also the university. University is in this direction. This direction, but when you come to the head, yeah. Or you have to go. You can go out. Yeah. Yes. Then go on, then you get to the university. Okay. Okay, thank you very much. तो इस तरह आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये सबसे पुराना जो इस सिटी का पार्ट है वो है पुराना। बाद में ट्राई करता हूँ कि मैं नीचे जाऊँ, पुराने यहाँ पे मकान नज़र आ रहे हैं, तो आपको सैर कराते हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जी, ओल्ड सिटी, बहुत ही पुराने घर हैं यहाँ पे। ये आप सिर्फ विजिट के लिए, यहाँ पर रहता कौन है, टूरिस्ट के लिए। और ये मेरे पीछे जो है आपको एक शीशे का घर नज़र आ रहा होगा, ये पीछे वाइट, ये भूटानशाह गार्डन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, और
पूरी दुनिया के, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी सारा एरिया यूनिवर्सिटी का है, ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये लेफ्ट साइड पे मैं अभी गया हूँ 1 किलोमीटर तक, उधर भी ये सारे जो राइट लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली यूरोप में जहाँ पे भी, जिस शहर में भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसे स्टूडेंट सिटी कहते हैं, इसको भी स्टूडेंट सिटी कहते हैं। तो काफ़ी यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स का ये शहर है। वो आपको डेनमार्क का झंडा भी नज़र आ रहा है। ये इसको स्टूडेंट सिटी भी कहते हैं, इसको साइकिलों का सिटी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा साइकिल्स हैं यहाँ पे इस सिटी में। ये भी आपको ये पीछे नज़र आ रहा है, वो बोर्ड आरहूस यूनिवर्सिटी। ये जी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। ये ऊपर तक जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है कि इस साइड पे, दोनों साइडों पे कोई खिड़की नहीं है, मुझे लगता है दूसरी साइड पे होंगे, क्योंकि दूसरी साइड पे आगे सी है, समंदर है, तो वहाँ से ऊपर से नज़र आता होगा। तो ये देखें, ये यूनिवर्सिटी, ये एंटीक मस्जिद जी। अभी आपको यूनिवर्सिटी का पार्क दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का पार्क है। तो यहाँ पे मुझे बताया गया है ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, देखते हैं। सो जी आप ये देख रहे हैं, हर तरफ जो येलो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी की है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं अभी का 3-4 किलोमीटर पीछे से देख के आया हूँ, तो ये सारी यूनिवर्सिटी है। इधर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, इसलिए ये कौमें आगे निकल गई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है उस पर ज़ोर दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो चलते हैं ये समंदर की तरफ, यहाँ पे सी है साथ ही, तो वहाँ पे चलते हैं। आज बादल बने हुए हैं और जैकेट पहनी हुई है, जब वो बंद करता हूँ तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जब खोलता हूँ तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और जब से आया हूँ कल भी, अब वहाँ का हमेशा जो है ना, यहाँ पे आपके साथ दुश्मनी होती है। जिस तरह आप साइकिल चला रहे होते हैं, आगे से आ रही होती है, बहुत ज़्यादा हवा है जहाँ पे चलती है। तो बहरहाल एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग। यस, ये भी कोई शहर का पुराना हिस्सा ही लगता मुझे, वहाँ पे प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं पुरानी।
शिपयार्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी शिप्स खड़ी हैं। ये इस साइड का समंदर है यहाँ पे, ये अंदर इसके बड़े खूबसूरत से जज़ीरे हैं, काफ़ी ज़्यादा जज़ीरे हैं इधर। इसी तरह एक वेस्ट साइड का यहाँ पे सी है, ये एक ईस्ट साइड का जो है सी है, और ये दोनों समंदर जो हैं वो जर्मनी से भी जाके लगते हैं और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये बीच है, ये एक छोटी सी ऐनक, यहाँ से आप इस ऐनक के जरिए समंदर का देख सकते हैं। न्यूयॉर्क मैनहट्टन की तरह के हैं यहाँ पे, ये सारे रेजिडेंशियल जो प्लाजाज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। जी, इसको जो है ना 2017 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज, वो जो शहर है वो उसका खिताब दिया गया था, इसलिए यहाँ पे अभी ये पार्क बना रहे हैं। तो खूबसूरत बहुत है, लेकिन यह है कि ये लोगों को अभी पता नहीं है। ये जी चर्च बहुत मशहूर है यहाँ का। ये जी सामने जो है ना थिएटर लग रहा है, थिएटर कार्बरेट, यहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म के वो थिएटर जो हैं वो होते हैं यहाँ पे। बहुत पुराना और खूबसूरत भी है, और ये चर्च देख रहे हैं बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा है।
सेलिंग रूफटॉप कैफे, सेलिंग रूफटॉप, रूफटॉप कैफे। और ये पीछे जो रेनबो म्यूज़ियम नज़र आ रहा है वो पीछे, और वो पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं गेटो, इनको वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर गैर मुल्की लोग होते थे और वो जो है ना यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करते, तो इसलिए जो पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी खाली हो गई हैं, उनको जो है वाकई खाली कराया जा रहा है। तो ये सारा शहर ये आप देख रहे हैं, इधर ये ओल्ड सिटी, और वो पीछे जो येलो नज़र आ रही है यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, और वो पीछे जो आपको येलो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये मेन चर्च बड़ा, और पीछे इसके सी समंदर। और ये भी आप देख रहे हैं जैसे डर लग रहा है यहाँ से, मतलब एक शीशे की इन्होंने बनाई हुई है ये सारा रूफटॉप का। तो ये देखें, ये जब आप नीचे से देखते हैं तो डर लगता है। ये अभी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इधर, काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं ये। तो ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी मेरे ख्याल में पहली मशहूर है, यहाँ से सारा सिटी नज़र आता है आपको। और उसके अलावा ये अभी मज़ीद इसको खूबसूरत बना रहे हैं, आगे बना रहे हैं। Ha 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 ha!
मेन स्टेशन आरुस आरुस देख रहे हैं यहाँ पे सारा दिन ही आज बारिश थी और यहाँ चूँकि समंदर चारों तरफ है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, जैसे हमारे यहाँ मूनसून की बारिश होती है। तो जब बंदा अंदर बैठा हो तो फिर तो बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करता है, टिप टिप शोर होता है छत का। लेकिन जब बंदा इस तरह मेरी तरह जा रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही आज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत मज़ा आया, इंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ी तो 3-4 किलोमीटर है, घर जा कर कपड़े चेंज करूँगा तो सब इजी हो जाएगा। आगे वाला साइकिल पानी ऊपर फेंक रहा है, थोड़ा वफ़ा रखना पड़ेगा।
लें जी घर के पास पहुंच चुका हूँ, तो जो है ना जूते भी पानी से फूल हैं, और क्योंकि ये जो साइकिल है इसके वो मड गार्ड नहीं होता, वो पानी सारा जो है वो आपके शूज़ पर और आपकी टांगों पर पड़ता है, तो जूते तो ऐसे हैं जैसे सैलाब बना पड़ा है, और बाकी पीछे से भी सारा जो है ना पानी पानी हो गया हूँ पानी पानी नहीं, शर्मिंदा नहीं हो गया बल्कि खुशी हो रही है। वैसे देख लें ये हालत होती है, बहुत ज़्यादा बारिश थी या समंदर पास है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बारिश होती है, और साइकिल भी वैसे आप देख रहे हैं इसके वो मड गार्ड नहीं है, इसकी वजह से ना सारा पानी जो है ना मेरे वो नीचे कपड़ों पे और शूज़ में भी ग्राबों में से पानी, ये पानी सारा मैं फुल हो गया था, क्योंकि साइकिल का सारा पानी जो है ना वो शूज़ पे सलवार पे पड़ रहा था, तो बहरहाल मज़ा आया। चलो अभी फ्रेश होते हैं, तो मज़ा आया है, दिखाते हैं आपको भी, आपको भी मज़ा आएगा। बाकी अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।